बुलाया है इसलिए बिकॉज लास्ट इंटरव्यूज में आप लोग देख रहे थे, मैंने बार बार कह रहा था कि मीडिया ट्रायल हम ख़त्म करते हैं और हम जाके कोर्ट कचहरी में हम जाके अपनी लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा राखी इसको एंड करना चाहती है। बिकॉज उनको तो पता है कोर्ट कचहरी जाऊंगी तो एक ना एक दिन मुझे केस था सब कुछ मेरे हाथ धो के बैठना पड़ेगा, तो वो मुझे डिफेम करने के लिए रोज़ नए ड्रामे नए नए कैरेक्टर ला रही है, जो जिसको इस मुद्दे में आने की ज़रूरत ही नहीं है। वो बोलते हैं ना, वो आके नए नए लोग तवे पे उनकी रोटियां सेक रही है, सबको फेमस बनने का कीड़ा चढ़ा है। इस मुद्दे में मत बनो, आके दूसरी चीज़ों में फेमस बनो। या जैसे आज फेमस होना तो बहुत ईजी है, आप जो भी करो, ट्रेन में घूम जाओ, वो करो, ये करो, रील्स बनाओ, ये करो। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में आके क्या कर रहा है? आपको सपोर्ट कर रहा है तो न्याय के साथ सपोर्ट करो ना, और अच्छे लोगों के लाके जुड़ो। आप क्यों एक क्रिमिनल लोगों को, एक पैदाइशी क्रिमिनल लोगों को, 420 को, फ्रॉड्स को, चीटर्स को लाके जुड़ रहे हो? बट एंड ऑफ द डे वो उनका पेशा है। आज का मुद्दा सिर्फ सिंपल है, राखी सावंत सिर्फ मुझे ठगती थी, दैट वाज रियली ओके फॉर इट। और आज एक सऊदी गवर्नमेंट से हमको, हमने कॉल में बात भी करवाया, वो आपको मैं क्लिप देने वाला हूँ, प्लीज़ आप लोग उसको प्ले करवा लेना, सुनना कि क्या मुद्दा हुआ है। नंबर वन, राखी सावंत ये सब ये जो चीज़ें वो कर रही है ओनली बिकॉज वो छुपाने के लिए कि जो वीज़ा जो उमरा जाके आई है उस मुद्दे को कवर करने के लिए ड्रामा कर रही है। नंबर वन चीज़, आज मेरे हाथ में जो चीज़ें लगी है, राखी का ये वीज़ा है जिसमें साफ साफ लिखा है वो टूरिस्ट वीज़ा में दुबई से वीज़ा लेके वो गई है उमरा पे। राखी छोटे से छोटे लोगों को ठगती थी, मुझे ठगती थी, फिर भी ठगी। आज तो राखी का ठगना इतना बड़ा होगा क्योंकि देश कभी आवाज़ नहीं उठा रही थी, उसको बचकानी और उसको नादान समझ रही थी, तो उसकी हरकतें इतनी बड़ी हो गई आज कि राखी सावंत एक नेशनल ठग बन गई है और पूरे मुसलमान की खोम को ठग रही है। ये वीज़ा कॉपी मुझे सऊदी गवर्नमेंट के एक एम्प्लॉय ने भेजा है और हमने इसके बावजूद उसके बाद हमने क्या किया है, एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत हमने पूरे का पूरा एप्लीकेशन बनाया है। एप्लीकेशन बना के हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया है विथ माई सिग्नेचर कि हमको सारे का सारा डिटेल चाहिए, राखी उमरा कैसे गई थी, किस बेस पे गई थी। और ये वीज़ा के एप्लीकेशन के सेकंड पेज में ये भी लिखा है कि राखी का रिलीजन हिंदू है, हिंदू रिलीजन रख के राखी सावंत उमरा गई है। उमरा जाके की क्या है, ना उसको एक दुआ आती है, ना उसको एक तस्बीह आती है, सिर्फ और सिर्फ राखी उधर रील्स बनाई है, फोटोज़ बनाई है, उसके बाद आने के बाद वाइट कलर का अबाया पहन के वो वापस आती है, दो दिन बाद अबाया उतर जाता है, बाल का स्टाइल बदल जाता है, उसके बाद रेड अबाया में आती है, कहती है मैं हर हमेशा अबाया में रहूँगी, और कहती है कोई मर्द मुझे छू नहीं सकता। और रिसेंटली एयरपोर्ट में देख सकते हो वो जिस तरीके से हक कर रही है, हक भी कर रही है और वो अनाउंसमेंट भी दे रही है कि मेरे नए बॉयफ्रेंड आ रहे हैं, मेरे नए नए हस्बैंड्स आ रहे हैं, जो उन्होंने कहा है ये है मेरा नया हीरो। आपको चाहिए तो मैं वीडियो दिखा भी दूंगा। हर चीज़ का राखी ने मजाक बना के रखा है, मुसलमान खोम का, धर्म का, मेरा, मेरे फैमिली का। राखी को किसने ये अधिकार दिया है कि आप ये करो? आपको कोई नहीं देता, आपकी जो मर्जी है, आप किसी के साथ भी रहो, किसी के साथ भी आप भूखा पहुँचो, जो भी आप कर लो, हमें इम्पोर्टेंट नहीं है। फर्स्ट मेरा जवाब जो आपने मेरे साथ किया, आप मुझे छुपाने के लिए आप नए नए ड्रामाज आप नहीं कर सकती हो राखी, विच इज़ नॉट करेक्ट। एक सेकंड, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। क्यों, ये गैर मर्द नहीं है राखी? अब जो डायलॉग कहती है यही डायलॉग बोल के मुझे भी इंट्रोड्यूस कराया था, रितेश को भी करवाया था, दीपक कलल को भी किया।
आप मिक्का जी के साथ मूवी कीजिए, पिक्चर कीजिए, आप मिक्का सिंह सर के साथ जो मर्जी कीजिए, हमें कुछ लेना देना है ही नहीं है। आप नए नए हीरोज बनाइए। उनके इंस्टाग्राम में भी झूठे झूठे एडिट करके पोस्ट डाल रही है कि आदिल को बिग बॉस जाना है। आप तो खुलेआम अनाउंसमेंट कर रही है, मीट माई न्यू हीरो, ये बिग बॉस कैंडिडेट है, ये बहुत अच्छा है, आपके ड्रामे वापस स्टार्ट। मेरे मुद्दे चल रहे हैं ऑलरेडी, आपका लक्की के साथ हुकअप हो गया, उन अफेयर चल गया, उनके साथ अभी ब्रेकअप भी हो गया, आप वापस शाहबाज के साथ नया चैप्टर स्टार्ट। शाहबाज को आप बुला रही हो, तीन तीन दिन उनके साथ एक घर में रह रही हो, अपने घर में, जिस घर में मैं रहता था उस घर में वो भी रह रहे हैं आज की डेट में, कर क्या रही हो आप? आप इतनी फास्ट हो गई हो क्या? क्यों आपको कोई पूछने वाला नहीं है? ठीक है, पूछने वाला नहीं है, आपका पर्सनल मामला है। इस्लाम होम के साथ आपने क्या किया? क्यों आपने झूठे सर्टिफिकेट बना के आप क्यों गई उमरा? नंबर वन। नंबर टू, उधर जाके सिर्फ रील्स फोटोग्राफी, आप एक रील्स बनाने वाले को लेके जा रही हो, आप रील्स बना रही हो, सबको बेवकूफ होलसेल में बना रही हो। मैं तो फिर से कहना चाहता हूँ, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ जिसने राखी ने मुझे ठगा है, ये तो पूरे खोम को राखी ने ठगा। अब मैं देखना चाहता हूँ खोम की आवाज़ क्या हो सकती है। मैं उठा रहा हूँ और मैं खड़ा हूँ। नंबर वन। नंबर टू, नए नए झूठे झूठे मुद्दे, आदिल ऐसे वाला है, ये है वो। दोस्तों, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं कोई ये सब चीज़ें जानता भी नहीं हूँ, एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल शहर से आता हूँ। नए नए मुद्दे और जो बैठ के अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो क्रिमिनल सुपारी किलर्स, उनके खिलाफ तो इतने सारे एलिगेशंस हैं, बहुत सारे एलिगेशंस हैं। तो थोड़ा रिसर्च कीजिए लोगों, प्लीज़, और मेरे साथ रहिए, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। हाँ, बाकी जब आप दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा था, तब वो जो रिलीजन वो अपना रही थी अभी रिसेंटली, वो हर एक रिलीजन अपने आप में ही एक रिस्पेक्टफुल चीज़ है। अब वो वहाँ जाके रील्स बनाना, उनके सामने, भगवान के सामने रील्स बनाना, रो रो के, एक स्टूडियो तो है नहीं कि आप रील्स बना के भेज रहे, पोस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, मतलब आपने उनको बताया नहीं था कि ये सब अलाउ नहीं है रिलीजन प्लेस में? मैंने तो हर चीज़ बताया था, मैंने तो राखी को सुधारा भी था, मैंने तो राखी के कपड़ों से लेके, तमीज़ से लेके, ज़ुबान से लेके, गालियों से लेके, हर चीज़ को मैंने सुधारा था, मैंने कंट्रोल किया था, मैंने उनको हर चीज़ किया था। वो तो उधर जाके सिर्फ रील शूट कर रही है फ़ोन उठा के कि ये देखो, ऐसे देखो, वैसे देखो, हर चीज़, हर छोटी 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 चीज़ राखी क्या ही कर रही है। एक हर चीज़ की भी एक हद तो होती है ना, हर चीज़ की भी एक हद तो होती है ना। देखो, पागलपन की भी एक हद होती है, एक हर चीज़ की एक हद होनी चाहिए। इतनी काम है, इसकी हरकतें देखो, ऐसी हरकतें हैं, इतनी अश्लील है ये, इसकी हरकतें देखो कितनी गंदी गंदी है, इनकी चीज़ें देखो, और ये चीज़ें बैठ के मेरे पे ब्लेम करती है। ज़िंदगी का मजाक बना के रखा है, मेरी ज़िंदगी का इसने मजाक बना के रखे, इतनी इसकी हरकतें, इसके काम, इसकी चीज़ें देखो, ये है हरकतें राखी सावंत के, लोग देखो समझो कि ये क्या चीज़ की है, ये चीज़ें देखो इसके। ज़िंदगी में मजाक करना ठीक है, ये क्या मजाक बना के रखा है यार, इस्लाम का मजाक बना के रखा है, मेरा मजाक बना के रखा है, हर चीज, हर छोटी सी छोटी चीज का मजाक बना के रखा है इस राखी ने। राखी सर आगे ये जाना चाहेंगे, जैसे कि अभी वो उसने शाहबाज को इंट्रोड्यूस किया एज अ न्यू फ्रेंड, और नहीं नहीं न्यू फ्रेंड नहीं कहा राखी ने, आप थोड़ा, मैं आपको मीडिया वालों से बार बार यही कहता हूँ, तो एक तो आप थोड़ा स्मार्ट हो जाइए ये सब करने के लिए, वरना छोड़ दीजिए कवर करना, मुझे भी छोड़, सबसे पहले मुझे छोड़िए, उसके बाद राखी को भी छोड़ दीजिए। देखिए, आप लोग जाके कवर करते हो, आप देश को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? राखी ने ये कभी भी नहीं कहा न्यू फ्रेंड, राखी ने कहा मीट माय न्यू हीरो, ये थे शब्द राखी के, जो ये शब्द सेम यूज हुए थे वाई नॉट फिटनेस के नीचे, जब फर्स्ट दिन मैं मुंबई में इंट्रोड्यूस हुआ था, मैंने ब्लैक कलर का जैकेट पहना, सॉरी ब्लैक कलर का मैंने एक
टी शर्ट पहना था और हम जिम जा रहे थे, इफ यू गाइज रिमेंबर, मीट माई न्यू हीरो, सेम वर्ड्स थे राखी के, आज जो एयरपोर्ट में उनको भी इंट्रोड्यूस करवा रही है, और कट कॉपी पेस्ट मेरी जो पिक्चर चली ना, लिख के रख लो आज की डेट में यही होने वाला है नेक्स्ट. जो इंसान को मैं जानता नहीं हूँ उसके बारे में मैं मुद्दा क्या ही बनाऊँ. मेरा देखो, मेरा बचपन का दोस्त है, हाँ मैं जानता था, हाँ मैं करता था, सिंपल लाइन में बोल रहा हूँ, मैं जानता ही नहीं उस इंसान को. हाँ एक ही शहर से बिलोंग करते हैं, थोड़ा एक दो बार जान पहचान है, मैं जानता ही नहीं उनको. उनको आना है, राखी को नया बॉयफ्रेंड चाहिए, राखी को नया अफेयर चाहिए, राखी का बिग बॉस आ रहा है, नई कॉन्ट्रोवर्सी चाहिए, वो जाना चाहती है बिग बॉस के अंदर. उनके लिए देखो हर बिग बॉस से पहले यही होता है, राखी के नए ड्रामे स्टार्ट हो जाते हैं, हर एक चीज़ साथ में हो जाते हैं. देखो रियलिटी शो, रियलिटी शो में कितने दिन आप ड्रामा कर सकते हो, 8 दिन 10 दिन. राखी की असलियत बहुत जल्द बाहर आएगी अगर वो इस साल जाती है तो. उनकी असलियत तो बहुत जल्दी बाहर आएगी. देखो इस बार मैंने आके मुद्दे रखे हैं, यही राखी के ड्रामे अभी नए नए एलिगेशन लगा रहे, बिकॉज उनको पता है मैं उमरा का मुद्दा उठाऊंगा जो मैंने आज उठाया. सबसे पहले मुझे उमरा का पूरी कौम से मैं सवाल कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए और सवाल कीजिए. राखी ने पूरे उमरा का मजाक बना के राखी सावंत गई है उमरा पे, टूरिस्ट वीजा पे, रिलीजन स्टेटस हिंदू लिख के गई है उमरा पे. और उमरा सबसे पहले वो गई है कहीं, वहां से ट्रैवल करके मदीना, मदीना से ट्रैवल करके बाई कार मक्का, बाई ट्रेन मक्का. ये ट्रैवल प्लान है राखी का. सॉरी टू इंटरप्ट, आप राखी के वीडियोस देखना, राखी के एक वीडियोस में ये भी आपको मिलेगा कि राखी किसी को पूछ रही, वीडियो बनाते पूछ रही है बीच में, अभी मुझे क्या करना है. बेवकूफ, जब तुम्हें उमरा में क्या करना पता नहीं है, तुम जा कर रही हो, रील शूट करने जा रही हो क्या? तुमने खुद वो वीडियो में पूछ रही हो कि मुझे अब करना क्या है, उमरा क्या करने पहुंची हो. एविडेंटली दोस्तों मैं तो कह बनाने गई थी, वीडियोस बनाने गई थी, नाटक करने गई थी, और उधर से शूट कर करके मुंबई की मीडिया को भेज रही थी, कट कॉपी करके नीट से पेस्ट करके भेज रही थी इधर कि आप लोग मुझे पोस्ट करो गाइस, सपोर्ट करो. क्या सपोर्ट करें तुम्हें? एक तो तुम क्रिमिनल हो, एक तो तुम्हारे काम ऐसे हैं लोगों को ठगना, लड़कों की जिंदगी बर्बाद करना, झूठे केसेस बना के जेल भेजना, और उसके बाद अब तो तुम्हारी हद ही हो गई क्योंकि लोग तुम्हारे पे सवाल नहीं उठा रहे थे. अब तो तुमने पूरे खोम को नहीं छोड़ा, तुमने कपड़े कहाँ गए, तुम्हारा अबाया कहाँ गया राखी? क्या तुम्हें एक बार की नमाज भी पढ़ना आता है? क्या तुम्हें पता है जोहर में कितने रकात होते हैं, फर्ज कितने रकात, सुन्नत कितने नमाज, ईशा क्या नमाज होती है, असर क्या होती है, फजर क्या होती है? क्या तुम्हें नमाज के बारे में कुछ पता है? अलहम का सूरा पता है तुम्हें, रुकू सिजदा सलाम पता है आपको, ये चीजें क्या है? सॉरी टू इंटरप्ट, मैं ये कहना चाहूँगा राखी मेरे वजह से वो जिंदा है आज के मुद्दे पे. राखी के नाम पे मेरी कोई पब्लिसिटी नहीं मिल रही है, 3 मिलियन से 10 मिलियन मिले राखी को मेरे वजह से. राखी आज भी मेरा मुद्दा लेके मीडिया के बाहर क्यों आ रहे? बिकॉज उसका लाइमलाइट मेरे नाम से चाहिए, मुझे राखी के नाम से कुछ भी नहीं चाहिए. हाँ ये कह सकता हूँ राखी की वजह से तो बदनाम हो कि मैं इधर आ गया हूँ, लेकिन मेरे पास इतना ढंग का और इतना अच्छा काम है मेरे पास करने लायक, मेरे पास राखी के पीछे टाइम वेस्ट करने के लिए एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं है. मेरे पास इतना पाइपलाइन, मेरे पास काम है कल के डेट में, मुझे जाके करना है जो मुझे. राखी के पास मेरे अलावा कुछ है नहीं, मेरे ही नाम से वो पब्लिसिटी लेते रहेगी नेक्स्ट 6 महीने तक भी. आदिल ने ये कहा, आदिल ने वो कहा, आदिल ने ये कहा, और मीडिया के सामने आने के लिए उसके पास टॉपिक है भी क्या आदिल के अलावा? तो राखी जिंदा है इस टॉपिक पे लेके, आदिल के टॉपिक से है, मेरे से राखी है, राखी से मैं नहीं हूँ. लास्ट 10 दिन में मैंने एक बार भी नहीं आया मीडिया के बाहर क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है राखी सावंत की. वो नए नए बॉयफ्रेंड्स बना रही है, नए नए कांड कर रही है, तभी भी मैं नहीं आया बिकॉज उसका वो पर्सनल मामला है, मुझे लेना देना नहीं है. राखी इज़ अ क्लोज चैप्टर फॉर मी. तो कहाँ से मेरे तरफ से डिवोर्स भी होगा? क्या मेरी शादी वैलिड है? जब वो ऑलरेडी शादीशुदा है तो मेरी तो शादी नल एंड वॉइड है. इसके लिए हम कोर्ट कचहरी में लड़ रहे हैं.
तो मेरी तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ कि मैं सिंगल बन जाऊँगा। वो डाइवोर्स का मुझे टैग नहीं चाहिए था, और एटलीस्ट वो डाइवोर्स का टैग के आगे विथ राखी सावंत तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था। वो एक्सीडेंट लोगों का होता है, मेरा तो एक्सीडेंट मैं समझूंगा कि मेरा क्रेन के साथ हो गया डायरेक्ट जाके। आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक्स। आगे से आए थे सपोर्ट करने, आगे से गए हैं, नो डिस्कशन अबाउट इट। बहन है, अगर उनको मेरी ज़रूरत है तो मैं हर हमेशा उनके लिए हूँ। हाँ, तो उनका वो पेशा है ना कि मेरे वकीलों के पास जाना, उनको जाके ब्रेक करने की कोशिश करना, बिकॉज उनको पता है सीधे सीधे से लड़ी कहाँ से लड़ेगी। कोर्ट कचहरी बुलाऊंगा तो एक ना एक दिन वो जेल चले जाएगी इस चक्रों में, और जाना भी चाहिए। झूठे केसेस में जिसको छः महीने करवा सकते हो, तो आपको तो 6 साल नहीं, आपको तो 16 साल जाना चाहिए। राखी, जो जो आपके काम है, जो आपके कांड है, जिस तरीके से आपने लड़कों को ज़िंदगी बर्बाद की है, उनकी फैमिलीज़ को बर्बाद की है। हाँ, तो मेरे वकीलों के पास जाके उनको ब्रेप करने की कोशिश करें कि भाई आप इतने पैसे लो। लिटरली मैंने वीडियो में देखा है, वो जाते ही मुझे बुला के दिखाया, भीख मांग रही है और उनके पैर पकड़ रही है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, आप पैसे ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, आप जो मर्जी करो, मुझे इस केस से मुझे बचा लो, मुझे सपोर्ट करो, मैं अभी क्या करूँ, मुझे गाइड करो। राखी, सब लोग तुम्हारी तरह बिकाऊ नहीं होते। राखी, जैसा तुम बिकाऊ हो, सब लोग बिकाऊ पे नहीं होते। तो हक के लिए लड़ो, न्याय के लिए लड़ो। न्याय के रास्ते में तुमको अगर, न्याय के चलते तुमको अगर जेल भी होती है ना, जाके भुगत के आओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि सच की लड़ाई क्या होती है। ये जाके ना, ये जो तुम्हारे टैंट्रम्स है ना, पीछे से जाके छुरा डालना, जो तुमने मेरे साथ किया है सबके साथ मत करो। राखी, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। आगे ये पूछना चाहूँगी, राष्ट्रीय जैसे कि आपकी बहन है अच्छी, आपका ऊपर रिश्ता भी पवित्र है ऐसा आपने कहा है, बट कहीं ना कहीं राखी सावंत ये भी कहती है कि वो दारू पी के आपको कॉल करती है, पूछती है, और आपके और उनके बीच में राष्ट्रीय आ रही थी, देखिए जहाँ तक मैं जानता हूँ राष्ट्रीय दारू नहीं पीती है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, बिकॉज मैंने कभी भी उनको नहीं देखा, और कभी भी वो दारू पी के किसी को भी फोन नहीं किया है राष्ट्रीय ने, ये भी चीज़ मैं जानता हूँ। राखी, झूठे झूठे आरोप, देखो भाई बहन के रिश्ते को वो एलिगेशन, यार उमरा जाके, इस्लाम में आके जाके वो गैर मर्दों को जाके फ्रंट एंड फ्रंट हक करती है पकड़ के, तो ये रिश्ते को तो तोबत लगाना बहुत आसान है। वो तो मेरी बहन है, प्रॉपरली मेरी बहन है, कल के दिन उनकी कहीं शादी भी हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी। देखिए, और मैं इतनी तो हिम्मत रखता हूँ, जब मैं किसी के साथ अभी रहूँगा तो मैं आके अनाउंस भी करूँगा, और मैं शादी करूँगा तो सबके दुनिया के सामने करूँगा। तो राखी की तरह मुझे ड्रामास की ज़रूरत है ही नहीं, और मैं कमाना जानता हूँ, मेरे बिजनेस है, मैं करना जानता हूँ चीज़ों को। मुझे राखी की तरह ड्रामा लेके, राखी के नाम पे पब्लिसिटी नहीं, राखी के नाम पे सिर्फ मुझे बदनामी मिली है। अब जो भी आप देख सकते हो, जो अवार्ड्स में जा रहा हूँ, जिस तरीके से मुझे फैंस आते हैं, जिस तरीके से मुझे लाइमलाइट मिलता है, जिस तरीके से मुझे इज्जत मिलती है, वो मेरी सच्चाई पे मिलती है, राखी की तरह ड्रामा के वजह से नहीं मिलती है। तो आदिल, अभी इस चीज की शुरुआत तो हो चुकी है, अंत कैसा होगा वो हमें बताइए, आप लीगली जाएंगे या प्रेस? बिल्कुल, मैं प्रॉपर लीगली जाना चाहता हूँ, मैं लीगली लड़ूंगा, और लीगल में बहुत सारे जवाब भी मैं दूंगा। सबसे पहले आज मैंने बुलाने का मेरा मुद्दा है, राखी ने इस्लाम, मेरी कौम को धोखे से ठग के, ड्रामा करके यूज़ किया है। इसका मैं चाहता हूँ लोगों से, प्लीज़ इसको सीरियस लो। अगर हम यहाँ पे नहीं स्टॉप करेंगे राखी सावंत को, हमारी कौम का मजाक बन जाएगा, जो बन गया है ऑलरेडी। प्लीज़, ज़रूर मैं जाऊंगा। राष्ट्रीय ने ऑलरेडी मुझे बुलाया, सबसे पहले गणपति के लिए मैं कहना चाहूंगा, मेरी तहे दिल से सबको मैं कहना चाहूंगा, हैप्पी गणेशा फेस्टिवल गाइस। हर एक इंडिया के हर एक मेरे भाइयों को मैं कहना चाहूंगा हैप्पी गणपति, और मुझे बहुत सारे इन्विटेशन होंगे, मैं कोशिश करूंगा, मैं सारी जगह जाऊंगा, सबको जाके मिलूंगा, बिकॉज हम एक ऐसे देश में रहते हैं, मेरे पूरे भाई जो भी मेरे सपोर्टर्स हैं, मुझे चाहने वाले मेरे फैंस हैं, हर रिलीजन से है, और मैं सबको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ गाइस, एक मैं आपको कहना चाहूँगा, आवाज़ उठाओ, राखी को रिलीजन के साथ खेलने मत दो, प्लीज़ राखी को रिलीजन के साथ खेलने मत दो।
हिंदू धर्म से भी खेल रहे हैं, क्रिश्चियन से भी खेल रहे हैं, मुसलमानों से भी खेल रहे हैं। प्लीज़ इसको स्टॉप करो गाइस। ज़िंदगी में वो रोड में जाके कुछ भी कर ले वो अलग बात है। हमारा खोम, हमारे जितने भी हमारे संविधान में धर्म है उसके साथ उसको खेलने के कोई भी हक नहीं देता राखी सावंत। सो प्लीज़ गाइस, और गणपति में कितने भी इवेंट्स होंगे मैं ज़रूर जाने की कोशिश करूँगा। एंड आई स्टिल टेल यू हैप्पी गणेशा फेस्टिवल गाइस। थैंक यू सो मच। यू वेलकम।